इस वक्त मैं मुंबई के वासी में सेक्टर ये 17 का इलाका है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। और ये काम वो है जहाँ आज से 50 साल पहले रिक्रिएशनल पर्पज के लिए ये जमीन आरक्षित थी, यहाँ पर मेघदूत और मेघराज सिनेमा हॉल था, लेकिन अब उसे तोड़कर यहाँ पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। ऐसी खबर है कि इस पूरी जमीन को किसी बिल्डर और विकासक के हाथ में बेच दिया गया, जो यहाँ पर बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। हालांकि अगर सिडको और महानगर पालिका के प्रोविजन में देखेंगे तो इस लैंड को रिक्रिएशनल पर्पज के लिए आरक्षित किया गया है, और इसीलिए यहाँ के जो स्थानीय भूमिपुत्र हैं, स्थानीय भूमिपुत्रों के जो संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो रिक्रिएशनल पर्पज के लिए ये भूखंड है, आरक्षित भूखंड है, जो मनोरंजन के दृष्टिकोण से सिर्फ यहाँ पर इसका विकास किया गया था, यहाँ पर मेघराज और मेघदूत सिनेमा हॉल था, उसको उसी तरह से उसका रीडेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ पर रिक्रिएशनल पर्पज के लिए ही इमारत बननी चाहिए, सिनेमा हॉल बनना चाहिए ताकि लोग उसका फायदा उठा सकें। लेकिन यहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो जाहिर सी बात है जो वासी की सबसे बड़ी पहचान थी, मुंबई की पहचान थी ये मेघदूत और मेघराज सिनेमा, इसकी पहचान खत्म होने से वासी की पहचान खत्म हो सकती है। लेकिन जिस तरह से इस पूरी जमीन को इसके ओनर ने 400 से ज्यादा करोड़ की कीमत पर किसी बिल्डर और विकासक को बेच दिया, तो यह सीधे तौर पर नवीनबेकरों के साथ अन्याय है, स्थानीय भूमिपुत्रों के साथ अन्याय है, और जो रिजर्वेशन था इसका, रिक्रिएशनल पर्पज का रिजर्वेशन था, उस कानून का भी वायोलेशन है, और इसीलिए इसका विरोध चल रहा। हमारे साथ भूमिपुत्र, स्थानीय भूमिपुत्र हैं और उनके प्रतिनिधि हैं तमाम संगठनों के, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे इसका वायोलेशन कैसे हो रहा है और इसका रियल में जो विरोध का कारण क्या है। मेरे साथ इस वक्त राजाराम पाटिल साहब हैं। पाटिल साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे आपके विरोध का असली कारण क्या है। हमारे विरोध का असली कारण यही है कि जो नियोजन शुरुआत में नवी मुंबई को हुआ था, मतलब वासी शहर एक पहचान है, पूरे जो जितने भी शहर है पनवेल से लेकर उरण तक, ये पहचान बदलने का तरीका है और धंधे के लिए हो रहा है। इसको बोलते हैं सामाजिक भ्रष्टाचार, मतलब समाज का जो अस्तित्व है वो खत्म करने की बात है। व्यापारी बन गए ये लोग, अधिकारी लोग रहेंगे, प्रशासन रहेंगे, सब आयुक्त लोग रहेंगे, उन्होंने इधर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात है, जो कुछ बदलाव हो रहा है वो नागरिकों की सहमति से होना चाहिए। और सबसे बड़ी जो बात अभी है, तरुण जितने भी दिख रहे हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, सब तरुण है यहाँ के, उनकी जो इच्छा है, जो कुछ इधर डेवलपमेंट होगा उसमें हमारा अधिकार बनता है। और पूरे देश में और विश्व में समस्या है, जो जो भूमिपुत्र है उनके अधिकार खत्म किए गए, और आज वासी गांव से इसकी शुरुआत हो रही है कि हमारा हक बनता है, इसमें जो कुछ हो रहा है उसमें योगदान देने के लिए हम तैयार है, लायक है, और इसके लिए शासन ने इसका विचार करना चाहिए। नहीं होगा तो इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाएगा। जय साखरे जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस वजह से आपको लगता है कि यहाँ पर आपको आपका हक मिलना चाहिए? नहीं, ये खाली नवी मुंबई का मसला नहीं है, जहाँ जहाँ पे मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़, पनवेल में भूमिपुत्र है, आगरी, कोली, ईस्ट इंडियन, मंडारी, वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पे नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं और भूमिपुत्र को निस्तनाबूद किया जा रहा है, भूमिपुत्र को भरोसे में नहीं लिया जा रहा है, वहाँ पे वहाँ के गांवठनों को, वहाँ के कोली लोगों को, आगरी लोगों को भरोसे में नहीं लिया जा रहा है। उन लोगों का जो भी प्रोजेक्ट चलता है वो उनकी मनमानी कारोबार चलता है, और अगर जमीन हमारी है तो हक भी हमारा है। अगर हमारा हक है तो हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं आपके पास, हमारा हक मांग रहे हैं। अगर हमारा हक है कि वहाँ पे अगर काम कौन सा भी छोटा से छोटा काम रहे या बड़ा से बड़ा काम चालू हो रहा है तो उसमें 50% हम लोग को काम मिलना चाहिए। हम लोग काम मांग रहे हैं, हम लोग कोई खंडनी नहीं मांग रहे या पैसा नहीं मांग रहे, काम मांग रहे। अगर काम मांगना गुनाह है तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि अगर काम नहीं करेंगे तो पेट कैसा भरेगा। जो भी काम करते हो पेट के लिए काम करते हैं, और यहाँ पे अगर सिनेमा थिएटर था, सिनेमा थिएटर ही होना चाहिए, ये हमारी मांग है। क्योंकि सिनेमा थिएटर बोलो या ग्राउंड बोलो, बच्चों लोगों के लिए खेलने के लिए, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहिए। और अगर वो हाथ से निकल गए, ग्राउंड निकल गए, सिनेमा गृह निकल गए, तो एंटरटेनमेंट कहाँ पे रहेगा, बच्चे लोग खेलेंगे कहाँ पे, अपना टाइम कहाँ पे, अच्छा टाइम कहाँ पे देंगे, फैमिली में, बिजनेस में, जो नौकरी में, हर हर एक बिजी रहता है, तो उसको एक दिन जो मिलता है
वो सिनेमा गृह में बच्चे लोगों को फैमिली को लेके जाता है, और ये तो सिनेमा गृह बनना चाहिए, उसके लिए तो हमारा पाठिंबा है और वो यहाँ पे सिनेमा ही गृह बनेगा। मगर सिनेमा गृह बनते बनते यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन रहेगा, जो भी काम रहेगा, हमारे लोग कैपेबल है वो काम लेने के लिए। हमारे पास हर एक लाइसेंस है, वो लाइसेंस के हिसाब से हम लोगों का 50% काम चाहिए, यह हमारी मांगनी है। यहाँ पे स्थानिक भूमिपुत्र के लिए मुंबई करो का पाठिंबा है, इसके लिए मैं सागरी जमीन हक्क परिषद अध्यक्ष मुंबई से आया हूँ। जय शाकरे। यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें स्थानीय भूमिपुत्रों का अधिकार है और उनको कामकाज मिलना चाहिए। दीपक पाटिल साहब, क्या कहेंगे आप, किस तरह से ये मनमानी चल रही है जिसकी वजह से आज आप लोगों को यहाँ पर खड़े होकर अपने हक की मांग करनी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टीवी वन इंडिया के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ, आज हम लोग यहाँ वाशी सेक्टर 2 में है जहाँ ये रिकंस्ट्रक्शन का काम चालू है। जहाँ 40 साल पहले मेघराज और मेघदूत जैसी नामचीन थिएटर थे, वो वहाँ सिनेमा देखने के लिए दूर दूर से 95 गांव से लोग आते थे, क्योंकि वो 40 साल पहले यहाँ कोई सिनेमा घर नहीं था। तो आज वो संस्कृति बिगड़ गई है, उसकी तलाश में हम लोग है और ये रिडेवलपमेंट में जा रहे हैं और उसके बदले एक व्यापारी संकुल बन रहा है। देखिए, विकास होना चाहिए लेकिन इसके तहत जो हमारी संस्कृति है वो भी टिकना चाहिए, और जो महाराष्ट्र सरकार ने जो प्राविधान रखा है कि यहाँ के भूमिपुत्र को, स्थानीय लोगों को 80% रोजगार और 100% रोजगार होना चाहिए। मैं पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ इस माध्यम के कि सभी राज्य में ये ऐसा होना चाहिए कि जहाँ जहाँ स्थानीय लोग हैं उनको उनका अधिकार चाहिए। आज हमारे ये भाई साहब इनके पास मशीनरी है, डंपर है, खड़ा डंपर, 2 साल से कुछ नहीं काम मिल रहा है उनको। उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट है करके नकारा जाता है, लेकिन मैं आपको पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा प्राविधान है महाराष्ट्र सरकार का जिसमें स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल या मेगा प्रोजेक्ट भी रहेगा, उसके तहत भूमिपुत्रों को 80% आरक्षण है और उसका लाभ देना चाहिए। आज बहुत से सारे लोगों का, हमारे बेचारे व्यापारी है, व्यवसाय करते हैं, उनको पता नहीं प्राविधान क्या है। तो मैं महाराष्ट्र सरकार को भी आग्रहित करना चाहता हूँ कि जो आपकी कमिटी रहती है जिसके तहत ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पास क्यों होता है कि आप स्थानीय लोगों को 80% रोजगार दे दे, और उसका हर 3 महीने में ऑडिट होता है, साल में 3 बार ऑडिट हो जाता है, और उसके तहत आप हर तरह की सुविधा लेते हैं। आज ये जो प्लॉट है ये रेपो दर से कम कीमत में लिया गया था 40 साल पहले, तो अभी इसमें चेंज ऑफ रिपोर्ट्स करते हैं तो उसका फायदा भूमिपुत्रों को ही मिलना चाहिए। भूमिपुत्रों को उसका फायदा मिलना चाहिए। सुनील पाटिल साहब हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे आपको, किस तरह से आप अपने हक की मांग करना चाहेंगे? ये जो जगह जो थी वो हमारी भूमिपुत्र की थी, तो उस जगह का जो भी काम निकलेगा वो हमारे भूमिपुत्र को ही, वाशी गांव के भूमिपुत्र को ही मिलना चाहिए, और इधर थिएटर था तो थिएटर ही बनना चाहिए। उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने, जो देसाई साहब ने जो कानून उस टाइप पे सबसे पहला इंडिया में महाराष्ट्र में कानून बनाए थे, तो उसके अभी उनकी ही सरकार है, उन्होंने इस कायदे के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। और आपको लगता है कि सिडको और महानगर पालिका स्थानीय जो भूमिपुत्र हैं उनके अधिकारों का हनन कर रही है और बिल्डर और विकासकों का सपोर्ट कर रही है? जो सिडको के जो अधिकारी है और महानगर पालिका के जो अधिकारी है, वो सिडको और महानगर पालिका में स्थानिकों के काम करने के लिए कम बैठे हैं, लेकिन अंदर से लेने के ज़्यादा बैठे हैं। ये सब अंदर का ही गेम है, ये उधर के जो अधिकारी है ना, उधर उनको बहुत बड़े अमाउंट में उनका बेनिफिट हुआ है, उनको स्थानिकों के बेनिफिट से कुछ मतलब नहीं है। जब हमारी जमीन ली थी तब बहुत कौड़े मोल में ली थी, जब पैसों पैसे के रेट में ली थी, आज इसका करोड़ों अब्जो रुपए रेट हो गया है, तो इसी में खाली वो सिडको और पालिका के कर्मचारी अधिकारियों का ही फायदा है। मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जिसके वजह से भूमिपुत्रों का अधिकार जो है छीना जा रहा है, बिल्डर और विकासक जो है मनमानी कर रहे हैं। पाटिल साहब, आपसे जानना चाहेंगे इसका अगला स्टेप क्या होगा, किस तरह की रणनीति होगी कि अगर इस मामले में न्याय नहीं मिलता है स्थानीय भूमिपुत्रों को तो क्या भूमिका आप आगे निभाएंगे? हम लोग संवैधानिक मार्ग से जा रहे हैं, जो कुछ कानून है वो जोड़ के, पत्र जोड़ के ये हमने सब सरकारी जो अधिकारी है उनको दे दिए है कानून के तहत। आज का प्रेस हो गया, प्रेस में हमने शांति से बताया, और इसका विचार ये जो विकासक है वो नहीं करते, महानगर पालिका नहीं करती, सिडको नहीं करती, तो इसका अलग से आंदोलन हो जाएगा। अभी तक प्रकल्पग्रस्त के आंदोलन हुए सिडको के खिलाफ, लेकिन वो 12.5% पुनर्वसन के लिए हो गए, लेकिन व्यावसायिक पुनर्वसन जो होना बाकी है
बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये नहीं है कि व्यावसायिक पुनर्वसन क्या होता है। इनके मासेमारी, खेती, वीट भट्टी, रेती, ये सब पहले व्यवसाय थे और उसके बाद सिडको आने के बाद डेवलपर्स मतलब डंपर थे, खड़ी का व्यवसाय था, वो सब बंद हो गए। तो अभी ये लोग सब मशीनरी लेके जाएंगे किधर? ये क्या लंदन जाएंगे या पाकिस्तान जाएंगे, इधर ही विकास करेंगे, तो उनका हक बनता है। इसके लिए ये नई लड़ाई है और 70 साल पहले मुझे 1970 को पहले से शुरुआत वासी से हुई है। ये प्रकल्पग्रस्त का पुनर्वसन का, व्यावसायिक पुनर्वसन का आंदोलन पहले वासी से हो रहा है। दीबा पाटिल नामकरण समिति के लोग हैं, अभी हर गांव में जा रहे हैं और ये तरुणों के लिए आंदोलन है और इसका सरकार ने सोच लेना चाहिए। विधानसभा में, लोकसभा में लोक प्रतिनिधि ये भूमिपुत्रों की जो आवाज़ है वो उठानी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और कोई नहीं उठाएगा तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लड़ने के लिए तैयार हैं। सरेश घाट जी, क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या भूमिका है, किस तरह से आप मान रहे हैं कि ये जो मेघदूत और मेघराज सिनेमा था, सिनेमा हॉल था, ये मुंबई की पहचान था, एक सांस्कृतिक और मनोरंजन की पहचान था और ये पहचान अब खो रही है, जिससे मुंबईकरों को और स्थानीय भूमिपुत्रों को बड़ा नुकसान होने वाला है? सर, मेरे जानकारी के हिसाब से 90 के दशक में ये थिएटर चालू हुआ था। 90 से लेकर 30 साल इन्होंने, 30 से 25 साल इस थिएटर ने नवी मुंबई को सेवा दी है, आनंद लेने का मौका दिया है। हमारे परिवार, हमारे मित्र परिवार, हमारी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, मेरे जैसे ये नवी मुंबई शहर के आज 18 लाख आबादी है, कम से कम 50% लोगों ने तो इस थिएटर का आनंद लिया होगा। अब ये लव लैंड जब सिडको ने वाशी, नवी मुंबई का केंद्र बिंदु वाशी है, सिडको का मुख्य स्थल निर्माता स्थल वाशी है, जब यहाँ पे आपने निर्मित करते हुए ये पर्पज़ रख के दिया कि ये एंटरटेनमेंट एंड कल्चरल पर्पज़ के लिए ये ज़मीन है, तो अब सिडको के अधिकारियों के साथ और म्यूनसिपालिटी के अधिकारियों के साथ आप क्या बोलते हो उसको, संगन मत करके ये ज़मीन करोड़ों रुपये की कीमत 300 करोड़ से ज़्यादा है, एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा अंदर नहीं हूँ, मैं बिजनेस माइंड से बोल ही नहीं रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि इतने करोड़ रुपये अगर ये ज़मीन जाती है और यहाँ पे अगर कोई बिजनेस सेंटर या बिजनेस प्लाजा, इस बिजनेस सेंट्रल प्लाजा कुछ होने वाला है, तो इसका नवी मुंबई करोगे क्या लाभ है, क्या लाभ मिलेगा? आप बोलेंगे ऑफिस आएंगे नौकरी मिलेगी, वो तो बाहर के लोग ले रहे हैं नौकरियाँ, ठेठ लाभ क्या है नवी मुंबई को? कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कम कीमत में सब सुविधा युक्त, वातानुकूलित एक थिएटर, जो पहले 3 थिएटर थे यहाँ पे, 2 मेघराज मेघदूत उनके मल्टीप्लेक्स थे, तो 4 स्क्रीन थी, गरीबों को आज बिल्कुल परवड़ नहीं रहा है। उसी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे थिएटर की वास्तु ही बननी चाहिए और अगर आपको और इसमें ऊँची वास्तु बनानी है तो एक मल्टीपर्पज़ हॉल बनाओ, क्योंकि आज नवी मुंबई शादी के लिए हॉल नहीं है। आपने जैसे एक एक नवी मुंबई की आइडियोलिक वास्तु है उनको गलत ढंग से गिरा के अधिकारियों के हाथ में लेके जो बनाया, उस तरह से नवी मुंबई, यहाँ नवी मुंबई का ये सांस्कृतिक केंद्र है, एंटरटेनमेंट केंद्र है, इसको थिएटर ही बनना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। ये नवी मुंबई की जनता की मांग मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसा आप खुद कह रहे हैं कि अधिकारियों ने साठगांठ करके सिडको और महानगर पालिका के अधिकारियों ने की मदद से इस रिक्रिएशनल रिजर्व लैंड को बिल्डर और विकासक को बेचा जा रहा है, तो अगर ये नहीं होता है तो अगली भूमिका क्या होगी स्थानीय भूमिपुत्रों? स्थानीय भूमिपुत्रों ने अपनी भूमिका रखी, उनके मत से, उनके हकों से मैं पूरा सहमत हूँ, उनके साथ नवी मुंबई की जनता को लेकर हम उतरेंगे और यहाँ पे थिएटर की वास्तु ही बननी चाहिए। और मैं आपको बताया कि महापालिका के आला कमान जो सम्माननीय आयुक्त महोदय, उनको मेरी आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से, जनता की आवाज़ आप तक पहुँचे, इस बांधकाम साइट को थिएटर के अलावा अगर कोई वास्तु निर्माण होती है तो उसको CC या बांधकाम परवानगी देनी नहीं चाहिए। इसीलिए जो आंदोलन करना होगा, अभी तो आंदोलन नहीं है साहब, यहाँ हम कहीं बैनर नहीं लेके आए, कभी झंडा नहीं है, कहीं घोषणा नहीं है, एकदम शांति से इशारा देने के लिए आए। यही दरख्वास्त है, हमारा एकदम रिक्वेस्ट है कि ये मत कीजिए और इस यहाँ पे जो वास्तु बनेगी उसको उसी बांधकाम परवानगी सिर्फ थिएटर के लिए ही दी जाए, दुखी जिसका आनंद पब्लिक ले। बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि आपने सुना कि जितने भी स्थानीय भूमिपुत्र संगठन हैं या भूमिपुत्र संगठनों के प्रतिनिधि हैं या स्थानीय लोग हैं, उनकी एक ही मांग है, अभी फिलहाल ये अपील है कि इस रिक्रिएशनल जो रिजर्व लैंड है इस पर सिर्फ सिनेमा हॉल बने, ताकि जो यहाँ का कल्चरल और जो इंटरटेनमेंट का जो कल्चर वो बचा रहे और मुंबई की पहचान कायम रहे। अगर ऐसा नहीं होता है
तो निश्चित तौर पर जो संकेत दिया जा रहा है कि अब अपील नहीं होगी, इसके आगे आंदोलन होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सिडको और महानगर पालिका प्रशासन और राज्य सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।